हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है और वो न्यूज ये है कि 118 चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो चुके हैं और उसमें जो सबसे पॉपुलर ऐप था पबजी वो भी इंडिया में बैन हो चुका है। और ये सारे चाइनीज एप्लीकेशन क्यों, कैसे और किस वजह से इंडिया में बैन हुए हैं, इस वीडियो में उसके बारे में सब डिटेल्स जानने वाले हो। सो विदाउट एनी फॉर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी अभी एक न्यूज आई है कि 118 चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो चुके हैं और उसमें सबसे पॉपुलर ऐप जो पबजी है वो भी इंडिया में बैन हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पबजी साउथ कोरियन ऐप है, लेकिन पबजी चाइना में डेवलप हुआ है, मतलब चाइना में बना है, और इस वजह से पबजी इंडिया में बैन हो चुका है और साथ ही उसके 118 एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो चुके हैं। और ये सारे 118 चाइनीज एप्लीकेशन आईटी मिनिस्टर द्वारा बैन किए हुए हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पबजी लाइट जो गेम है ना, वो भी इंडिया में बैन हो चुका है। अगर आप इस गेम को अभी खेलते हो तो ये गेम कुछ देर तक चलेगा, लेकिन कुछ ही समय बाद ये गेम बंद हो जाएगा, जैसे टिकटॉक हुआ था। और वैसे भी अच्छा होगा कि ये पबजी गेम हमारे इंडिया में बैन हो चुका है। बस मुझे आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी और हमारा नया वीडियो बस एक दो दिन में आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।